बेटा बोर्ड पर जो लिखा है इसमें कोई डाउट? री जेड स्क्वायर प्लस इन जेड स्क्वायर चाहिए तो आपको इस ढंग से प्रोसीड करना। नेक्स्ट देखे बताओ, मिसलेनियस का बेटा एक एग्जांपल दे रहा है वो बताते हैं आपको। 16 हमें गिवन है आई माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाय थ्री। एक दो क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा इसमें प्रैक्टिस कीजिए, जैसे ये जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो कह देंगे क्वेश्चन से प्रगत सेंटर, उसमें थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन है, ज्यादा रिजल्ट। देखिए पहले तो ये इसको क्वार्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये प्रॉपर फॉर्म तो है नहीं, हमें तो दो बॉक्स चाहिए, तो दो बॉक्स थोड़ी है। और पाई का मतलब क्या बताया हुआ है? पाई का मतलब नो डाउट 22/7 है, लेकिन 22/7 रेडियन दैट इज 180 डिग्री एंगल मेजरमेंट चाहिए। तो पाई की जगह 180 डिग्री हमारे पास बन गया cos 60 तो ये हमारे पास बन जाएगा। कोई डाउट फर्स्ट और सेकंड में? कोई डाउट? पाई मतलब 22/7 है, कुछ ना लिखता तो नहीं। टू एलसीएम टू ऊपर चला गया, अभी भी ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। तो 1-√3i से मल्टीप्लाई 1-√3i से नहीं। तो ये आप ट्राई करेंगे प्रोडक्ट बहुत इजीली, तो हमें 2c-1/2 प्लस ये प्रोडक्ट की ट्राई करेंगे तो हमारे पास √3 + 1/2 आई ये नजर आ। सर हमने cos pi by 3 को cos 60 क्यों लिखा? cos pi by 3 तो यहाँ कोई डिग्री वगैरह तो लिखा नहीं हुआ, ये pi by 3 डिग्री नहीं है। अगर कुछ ना लिखा हो तो एंगल के दो मेजरमेंट है बेटा, तो अगर कुछ ना लिखा हो थीटा नॉट मेंशन, यूनिट मेंशन नहीं, यूनिट ऑफ थीटा नॉट मेंशन। अगर थीटा की यूनिट मेंशन नहीं है, सेकंड एक्सरसाइज में भी हमने किया था बेटा, तो थीटा इन रेडियन, थीटा किसमें है? रेडियन। रेडियन में क्या होता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, जैसा आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, टीचर बार-बार जहां भी पाई आता है उसकी जगह 180 रिप्लेस कर देता है, लेकिन जैसे ही 180 रिप्लेस करता है उसको 7 डिग्री लिख देता है। तो यहाँ डिग्री वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मान के चलेंगे रेडियन से, तो उसमें पाई का मतलब 180 है, ये रूल है बेटा, तो उसमें पाई मीनिंग 180। आप ध्यान रख लीजिए, आप ध्यान रख लीजिए जहां भी पाई लिखा है एंगल में तो उसको 180 डिग्री कहते हैं।
ओके सर, इसलिए 60 और इधर भी 60 आएगा। आप पूछिए 1 2 3, थोड़ा सा अलग दे दिया इसको, इस टाइप से दे दिया। अब क्या था पोलर फॉर्म में, तो सिंपल इसको क्या लिखते हैं हम, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फर्स्ट यही होता है ना बेटा, यही लिखते हैं आर कॉस थीटा प्लस, सेकंड एक्सरसाइज में किया ही यही। कंपेयरिंग करेंगे स्टेप वन तो यही था ना पोलर फॉर्म का, कंपेयर करेंगे तो आर कॉस थीटा जो है 2 3 -1/2 एंड आर साइन थीटा जो है, जैसे हमने पहले किया इस क्वेश्चन में, एक तो सेम यहाँ था कि पाई का मतलब 180 डिग्री लिखा, अब हमें आर चाहिए फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड, इससे हमारे पास आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर, तो एलसीएम ले लेंगे पावर ट्राई करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास आएगी बहुत ही, आर की वैल्यू रूट टू आ गई, ये 4 आ गया, 2 आ गया, तो आर को रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस या साइन को लिए कैसे करते थे, कॉस थीटा क्या आ जाएगा आर की जगह रूट टू, कॉस थीटा आ गया रूट 3 -1/2, अलग अलग लिखेंगे अलग अलग होंगे, पहले के नीचे अलग, ये cos 30 डिग्री है, ये cos 45 डिग्री है, ये बेटा sin 30 डिग्री है, ये sin 45 डिग्री है, एक रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री में एक्सप्लेन किया जाएगा, प्लस टू में भी काफी यूज होगा तो ध्यान रखना है आपको, एक रिजल्ट अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्री से रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री का दोनों कॉस और दोनों साइन है, दोनों कॉस दोनों साइन कैसे ध्यान रखना है, दोनों कॉस माइनस दोनों साइन, दोनों कॉस माइनस दोनों साइन है, एंगल सेम है ये भी 30 45 30 45 है, तो आंसर कॉस ऑफ सम ऑफ द एंगल्स आता है, ये रूल है, क्यों ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे हम, एंगल दोनों का टोटल आता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी 30 + 45 कॉस 75 आ, तो कंपेयर करेंगे तो कितना हमारे पास 75 डिग्री है, कितना हमारे पास 75 डिग्री आ गया,
दोनों कॉस दोनों साइन कॉस ऑफ ए प्लस बी। फिर से देखिए ये चीज रब कर देंगे और थीटा हमारे पास रूट थ्री बाई टू वन बाई रूट टू। एक दो क्वेश्चन ध्यान भी रखने पड़ते हैं और आपको ये भी बताया हुआ है एक दो क्वेश्चन से घबराना नहीं हुआ, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बुक में इसलिए आपको कराया जा रहा है। कॉस थर्टी कॉस फोर्टी फाइव साइन थर्टी साइन फोर्टी फाइव कॉस ऑफ ए प्लस बी दोनों कॉस दोनों साइन है तो फार्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का। कॉस दोनों कॉस माइनस दोनों साइन तो आंसर आता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। और भी कई फार्मूला है साइन ए प्लस वगैरह के मिला दिए तो थीटा 75 डिग्री आ जाए। अगर इसको रेडियन में लिखे तो क्या लिखेंगे आपको बताया गया पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई 15 पे कैंसिल पाई पाई बाय 12 आंसर। एक दो क्वेश्चन से घबराना नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन है तो बस एजीपी जैसे ध्यान रखें। तो पहले तो हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके दो ब्रैकेट में कंपेयर किया थीटा निकालने में दिक्कत आ रही थी तो कॉस थीटा प्लस माइनस आ रहा था तो कॉस थीटा तो कॉस की टर्म्स में चाहिए ताकि कंपेयर कर सके कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 75 तो कंपेयर कर सके तो कॉस 30 कॉस 45 साइन 30 साइन 45 तो कॉस ऑफ ए प्लस बी तो थीटा 75 डिग्री रेडियंस पर कन्वर्ट करेंगे तो 5/12। आपको नंबर पूछना है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर एक्सप्लेनेशन तो दी है 5 नंबर ये रेडियंस में लिखा है 6 नंबर बोलिए आप। बस ये ध्यान रखें रेडियंस के जितने और हो सके वो आप कर लेना ये आप ध्यान रखें। एक दो क्वेश्चन से मूड खराब नहीं करना आपको बताया ना भाई एक आध क्वेश्चन में सही नहीं कि बुक को फाड़ देंगे हम मैथ नहीं करेंगे मैथ छोड़ देंगे एक आध क्वेश्चन लेके दिखी। वैसे तो हमने आपको एक्सप्लेन किया समझ में आना चाहिए और कोई शॉर्टकट नहीं है बुक में भी चेक किया हुआ है। पूछिए बेटा सर हम थीटा कॉस से भी ले सकते हैं और साइन से भी ले सकते हैं साइन में भी ले सकते हैं किसी एक से ले सकते हैं तो पहले वाले ले लिया था हमने साइन से लेंगे तो उसका एक साइन वाला फार्मूला लग जाएगा साइन ए प्लस बी का जो अभी बताया नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाएगा। साइन से भी ले सकते थे बेटा और दोनों को डिवाइड कर दो तो टेंजेंट में भी ले सकते थे साइन बाय कॉस को टेंजेंट कहते हैं। अभी कोई डाउट तो लिखा है बोर्ड पर जो फिफ्थ स्टेप है उसके अंदर सर टोटल का आंसर कॉस ए प्लस बी है। यस बेटा और देखिए बेटा जो कई माइंड में कंफ्यूजन लगता है बच्चे सोचते हैं कॉस ए प्लस बी है तो कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो कॉस ए प्लस कॉस बी वो नहीं हो भाई जैसे हम स्क्वेयर करें स्क्वेयर ऑफ ए प्लस बी थोड़ी देखो मल्टीप्लाई थोड़ी है इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना आपको कहीं आप सोचते हैं बोले जी ये तो कॉस ए प्लस कॉस बी होना चाहिए ऐसा कुछ कॉस 60 प्लस 30 है तो कॉस 90 आ गया कॉस 90 तो जो ये थोड़ी है कि कॉस 60 प्लस कॉस 30 हो ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो ये थोड़ी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ गया ये भी तो रूल है ये में डाउट किस में ही आ रहा था कि दोनों कॉस माइनस दोनों साइन तो आंसर क्या कॉस ए प्लस बी आएगा यस बट ये माइंड में इंप्रेशन नहीं आना चाहिए कि कॉस अंदर मल्टीप्लाई हो गया कॉस ए प्लस कॉस कॉस 60 प्लस 30 यानी कॉस 60 प्लस कॉस 30 अगर ऐसा होता तो सिर्फ 1 डिग्री की वैल्यू याद रख लो 1 डिग्री की कॉस 90 डिग्री होता तो 1 प्लस 1 प्लस 1 90 बार ले गए तो 90 इंटू कॉस 1 आ जाता वो नहीं सही ये फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाएगा हमने लिख भी दिया ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री
में आप लोगों को कह दिया जाता है तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, ये मैथ का फार्मूला है, तो ये क्या है चैप्टर बेटा इनको रिलेटेड है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लेक्स यूज हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, इन इक्वेशन का कंसेप्ट आ जाता है थोड़ा बहुत, तो इंटर रिलेटेड से चैप्टर, तो लेट इट बी, इसको मान के चलने। इसी तरीके से सेकेंड एक्सरसाइज जो करवाई है, हो सकता है स्कूल में स्किप कराएं बाद में कराएं, लेकिन हमने उसमें ट्रिक्स आपको बता दिए, तो सेकेंड एक्सरसाइज आप सबके अच्छे तरीके से होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या पढ़ा है, या तो दो डब्बे या पोलर फॉर्म, दो चीजें तो पढ़ी है। पोलर फॉर्म में क्या था भाई, आर और थीटा लिखा, तो दो चीजें पढ़ी है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब दो बॉक्सेस, फर्स्ट प्लस आया था सेकंड, और एक हमने पोलर फॉर्म आर और थीटा। और बोलिए बेटा और कुछ, तो एक आध क्वेश्चन से घबराना भी नहीं है, बता दिया स्कूल में भी ऐसे बताया जाएगा आपको। और कोई बात डिस्कस किसी बच्चे ने करनी, ठीक है बेटा, थैंक यू। कल फिर डाउट्स लेते हैं अगर कोई डाउट रह गया तो। ओके बेटा।